सबको नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण नवी कक्षा एनसीईआरटी सीबीएसई व्याकरण में वाक्य भेद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में विस्तार रूप से हमें जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रही है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आठ भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य, इसे कहते हमें प्रश्न को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसे आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, और संदेहवाचक वाक्य, सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। नकारात्मक वाक्य, इसे हम निषेधवाचक भी कहते हैं और अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य को इलेटिव सेंटेंस कहते हैं। और विस्मयवाचक वाक्य को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो आखिरी है, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। इन हार्ट भेदों के बारे में विस्तार रूप से हमें जानेंगे। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में विधान का अर्थ है जो रूटीन, रूटीन से जो कार्य होना या करने की सूचना देता है, इसे हमें अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य को हमें जो कार्य होना या करने की सूचना है, विधि के रूप में, जो रूटीन के रूप में जो कार्य होता है, जैसे उदाहरण देखेंगे, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। पक्षी घोंसले से उड़ना है इसलिए वो उड़ चुके हैं। जो कार्य है उनका उड़ना है इसलिए वो कार्य किया है। कविता ने पाठ याद कर लिया है, कविता को पाठ याद करना था इसलिए वो पाठ को याद कर लिया है। जैसे मैंने दूध पिया, जे दूध पीना था इसलिए मैंने दूध पिया। वर्षा हो रही है, जो रूटीन से हो रहा है, ये वर्षा हो रही है। राम पढ़ रहा है, इस तरह से जो वाक्य रूटीन या विधान पर विधान से होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान है, इस शब्दों से हमें पहचान सकते हैं प्रश्नों को, जो वाक्य के जो शब्द क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर हमें वाक्य में इस शब्द को देखकर हमें प्रश्नवाचक को पहचान सकते हैं। और दूसरा जो है, वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर भी हमें किया जाता है। वाक्य क्या है देखेंगे, रमा कब आई। इस वाक्य में जो प्रश्न है कब, इस शब्द से हमें समझ में आएगा, कब शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। और इसका जो आखिरी अंतिम प्रश्नवाचक सिंबल है, चिन्ह है,
मार्क, इससे हमें समझ में आएगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तुम कल विद्यालय क्यों क्यों नहीं आए, ये वाक्य में दो संकेतों से हमें समझ में आएगा ये प्रश्नवाचक। एक तो क्यू जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे हमें पता चल जाता है। और प्रश्नवाचक के लिए और एक वाक्य मैं बताऊंगी, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिस तरह से रमेश कहाँ जाएगा, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे हमें पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा जो है आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा आज्ञा देना, जो ऑर्डर देना, परमिशन देना, ये इससे हमें पता चलता है। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने के भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। देखेंगे, किताब के पेज मत फाड़ो, किताब के जो पेज है मत फाड़ो, अब पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, इस तरह से हमें जो उनको आज्ञा दे रहा है, जो आज्ञा के अनुसार ये वाक्य अर्थ समझ में आते हैं। अगले देखेंगे, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह माने डाउट, जो वाक्य हुआ ना हुआ, हुआ मतलब जो अभी वाक्य हो या ना हो, कैसे पता चल गया, देखें इस संदेहवाचक को वाक्य की पहचानने के लिए ये वाक्य के अंत में होगी होगा होगे देखकर हमें पता चल जाता है। उदाहरण देखेंगे, अब तक फसल कट चुकी होगी, देखो अब तक फसल कट चुकी होगी, आप निकलते समय फसल को काटना शुरू किए थे, लेकिन वहां पे आप नहीं रुके, जो आप अभी बता रही है दूसरों से, अब तक फसल कट चुकी होगी, हुआ ना हुआ आपको पता नहीं है, फिर भी आपको डाउट है, ये रमा काना पक चुकी होगी, रमा काना पका पकाया ना आपको पता नहीं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, इसलिए डाउटफुल जो शब्द को बताने के लिए होगी होग, इस तरह से हमें शब्द का प्रयोग करते हैं। और संदेहवाचक में और दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद शाम को वर्षा हो जाए, ठीक है ना, उसी तरह से हमें। और एक वा आहा वा हा रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, ठीक है ना, इस तरह से जो है संदेहवाचक वाक्य का अंतर समझना है। अगला जो है पांचवा, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया ना हो, ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो कार्य को हमें करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव में बनाना है, जो जिस तरह से जो शब्द क्या है, किस तरह से हमें पहचाना, ना मत नहीं, इस शब्द को देखकर ही हमें ये नकारात्मक वाक्य को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, इससे पहले मैं बताया है पक्षी घोंसले से उड़े उड़े उड़ चुके हैं, लेकिन अभी क्या है, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं,
नहीं मतलब नकारात्मक, नेगेटिव बोलना है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, वो पाठ याद करने के लिए बताया लेकिन वो नहीं याद किया है, ये नेगेटिव है, नकारात्मक या निषेध। आ मत बैठो, इस तरह से आ खाना मत खाओ, दूध नहीं पियो, इस तरह से जो बताया गया शब्द को लेकर नकारात्मक या निषेध का वाक्य पहचान सकते हैं। जो इच्छावाचक वाक्य है, छठवां, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना? जो उदाहरण देखेंगे, जो इच्छा, विश्व, कामना, मित्र, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, आपको विश करना है, करते ना विश, इसलिए आपको इच्छा, इच्छा को प्रकट करना, कामना को प्रस्तुत करना। ईश्वर करे आपको उन्नति करे, ईश्वर को, ईश्वर आपके भलाई के, मतलब आपके भलाई के बारे में को उन्नति करे, ईश्वर के, ईश्वर से हमें प्रार्थना करते हैं, कामना आशीर्वाद देने के लिए बात की है पे, इस तरह से इच्छावाचक वाक्य का। और दो एग्जाम्पल देखेंगे। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा और तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दो। ठीक है ना? इस तरह से जो इच्छा को प्रकट करना है। ठीक जो सातवां है, विस्मयावाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों को दूसरा नाम से हमें उद्गारवाचक भी कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य की पहचान है वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, हरे आदि देखकर हमें पहचान सकते हैं। ऐसे शब्द या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्हों को देखकर भी हमें समझ सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, हरे कितना विशाल मैदान है, हरे कितना विशाल मैदान है, हो तुम आ गए, हो तुम आ गए, जो हमें उच्चारण में हार लिखने में इस तरह से विस्मय, विस्मय की बात कहा है, इससे हमें पता चल जाता है, साथ ही साथ चिन्ह भी दिखाई पड़ता है, ये विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आखिरी है आठवां, संकेतवाचक वाक्य। संकेत देना, संकेत का अर्थ है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है ना? कंडीशन, कंडीशनली सेंटेंस को कहते हैं संकेत। जो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जब दो दो कार्य होता है, दो दो क्रिया इस वाक्य में दिखाई पड़ता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान, यदि यदि आप आए तो वो जाते हैं, मतलब यदि अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, यदि से है या संकेतवाचक शब्द यदि, और दूसरा वाक्य में तो, ये दोनों के संकेतों से हमें समझ में आएगा ये एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता,
जल्दी आते तो टिकट मिलता है, जो एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। साथ ही साथ हार को संकेत देने के लिए अगर तो इस तरह से शब्द दिखाई पड़ता है। संकेतवाचक वाक्य के लिए और एक उदाहरण मैं बताऊंगी। यदि परिश्रम करोगी तो अवश्य सफल होगी, सही ना? यदि परिश्रम करोगी तो अवश्य सफल होगी। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। इस तरह से हमें संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण जान लिया है। और इसके लिए और एक ट्रिक है, देखेंगे। ये सारे वी आई पी वी नी, ये कौन सा लैंग्वेज कोड है ये? मैं इसी तरह से नी, ओके, वी आई पी वी नी सम सन सम असम। सम असम असम कितने वाक्य हो गया? देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ प्रकार का कोड मैंने बनाया है। देखिए इस तरह से हमें आसानी से हमें याद कर सकते हैं। वी आई पी विनी सम असम, वी आई पी विनी सम असम, आठ प्रकार आ गए ना। वी आई पी विनी सम असम। इसका अर्थ है वी का अर्थ है विधान वाचक, आई का अर्थ है इच्छार्थक, पी माने प्रश्नार्थक और वी का अर्थ है विस्मयादि, नि का अर्थ है निषेध या नकारात्मक, सम संदेह, आ का अर्थ है आज्ञा, सम संकेत। ये कोड इस तरह से हमें कोड बना के पढ़ना है, आपको याद रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगे, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।